हे गाइस, वेलकम बैक टू मूवीज बोल्ड। आज के इस वीडियो के अंदर हम कवर करने वाले हैं साइंस फिक्शन मूवीज़ को। ये हमारी साइंस फिक्शन मूवी सीरीज का एपिसोड 4 है, जिसके अंदर हम 2012 की सभी बेस्ट साइंस फिक्शन मूवीज़ को कवर करेंगे। इस लिस्ट की मोस्ट ऑफ द मूवीज़ हिंदी में ही होने वाली हैं, सो आपको इन मूवीज़ को समझने में कोई भी समस्या नहीं हुई। इसलिए बिना किसी देरी के हम इस वीडियो को शुरू करते हैं। हमारी 9th मूवी टोटल रिकॉल, जो मूवी 2012 में आई थी, एक एक्शन एडवेंचर साइंस फिक्शन मूवी है। इस मूवी के अंदर कहानी दिखाई गई एक आदमी की, जिसको बहुत अजीब अजीब सपने आ रहे होते हैं, जिसकी वजह से वो जाता है टोटल रिकॉल में, जहाँ पे वो अपने सपनों को देख सकते कि आखिर उसके सपनों के अंदर क्या चल रहा है। लेकिन वहां पे जब ये जाता है तो वहां पे कुछ ऐसा हो जाता है जिसकी वजह से बहुत सारे सोल्जर्स इसे घेर लेते हैं मारने के लिए। लेकिन अचानक से इसके अंदर ऐसी एबिलिटी आ जाती है, इतनी ताकत आ जाती है कि ये उन सभी सोल्जर्स को बिना गन के मार डालता है, उन सभी लोगों को चारों खाने चित कर देता है। दूसरी तरफ इसके जितने चाहने वाले हैं, फैमिली मेंबर्स हैं जो इसे बहुत प्यार करते हैं, वो अब इसके जान के दुश्मन बन गए। तो आखिर इसने ऐसा क्या देख लिया वहां पर, टोटल रिकॉल के अंदर, वो आप इस मूवी के अंदर देखिए। ये मूवी हिंदी लैंग्वेज में अवेलेबल है, इसको रेटिंग्स मिले 6.2 out of 10 IMDb। हमारी नेक्स्ट मूवी बैटलशिप, जो मूवी 2012 में आई थी, एक्शन एडवेंचर साइंस फिक्शन मूवी है। इस मूवी के अंदर में कहानी देखने को मिलती है इंसानों की, जो एक खास तरह की टेक्नोलॉजी की मदद से कई लाइट ईयर्स दूर एक प्लेनेट पर एक सिग्नल भेजते हैं, क्योंकि वो प्लेनेट गोल्डी लॉक जोन में होता है, यानी कि सूरज से ना ही बहुत ज्यादा दूर ना ही सूरज से बहुत ज्यादा पास, जैसे कि हमारी पृथ्वी है, यानी कि एक परफेक्ट जगह जहां पे जीवन पनप सकता है, जहां पे पानी तीनों फॉर्म में अवेलेबल होता है, सॉलिड लिक्विड गैस की फॉर्म में। ऐसी जगह को कहा जाता है गोल्डी लॉक जोन। इसीलिए यहां पे ये लोग सिग्नल भेजते हैं इस आशा में कि वहां से कोई रिप्लाई आएगा, और वहां से रिप्लाई आ जाता है बहुत सारे शिप्स के रूप में, जो लोग आए हैं पृथ्वी पे कब्जा करने के लिए, और वो एक बहुत बड़े रीजन को, जो पैसिफिक ओशन का रीजन है, उसको कवर कर लेते हैं इस खास तरह की शील्ड की मदद से, जिसको किसी भी तरह का वेपन खत्म नहीं कर सकते, यहां तक कि न्यूक्लियर वेपन भी उसको नहीं तोड़ सकते। और जिस जगह पे इन लोगों ने कब्जा किया, यानी एलियंस ने कब्जा किया, उस जगह पे बहुत सारे नेवी शिप्स भी हैं, लेकिन उनकी मात्रा इतनी नहीं है कि वो इन लोगों से लड़ सकें। वहां पे यूएस नेवी के, जापानीज नेवी की शिप हैं, जिनकी कंबाइंड पावर भी इनके एक शिप को भी नहीं हरा सकती। ऐसे में क्या होता है वो आप इस मूवी के अंदर देखिए। ये मूवी हिंदी लैंग्वेज में अवेलेबल है, इसको रेटिंग्स मिले 5.8 out of 10 IMDb पर। आप इस मूवी को हिंदी लैंग्वेज में Amazon प्राइम वीडियोस पर देख सकते हैं। हमारी नेक्स्ट मूवी मैन इन ब्लैक 3, ये मूवी 2012 में आई थी, एक एक्शन एडवेंचर कॉमेडी मूवी है। ये मूवी मैन इन ब्लैक सीरीज का थर्ड पार्ट है, जिसके अंदर हमें कहानी देखने को मिलती है हमारी मूवी की हीरो की, यानी एजेंट जे की, जिसे पता लगता है कि एक एलियन पास्ट में जाके हिस्ट्री को चेंज करने की कोशिश कर रहा है, साथ ही साथ उसके बहुत अच्छे दोस्त को मारने की भी कोशिश करने वाला है पास्ट में जाकर। ऐसे में किस तरह बचाता है दुनिया को, क्योंकि अगर हिस्ट्री चेंज हुई तो दुनिया का भी विनाश हो जाएगा, वो आप इस मूवी के अंदर देखिए। ये मूवी हिंदी लैंग्वेज में अवेलेबल है, आप इस मूवी को Amazon प्राइम वीडियोस पर देख सकते हैं, पर हो सकता है वहां पे मूवी हिंदी लैंग्वेज में अवेलेबल ना हो। हमारी नेक्स्ट मूवी लूपर, जो मूवी 2012 में आई है, एक एक्शन ड्रामा साइंस फिक्शन मूवी है। इस मूवी के अंदर में कहानी देखने को मिलती है ईयर 2074 की, जहां से बहुत सारे लोगों को पास्ट में भेजा जाता है, यानी 2012 में भेजा जाता है, जहां पे लोग गन्स लेके हर समय तैयार रहते हैं उन लोगों को मारने के लिए। फ्यूचर से इन लोगों को इसलिए भेजा जाता है क्योंकि फ्यूचर में मर्डर करने की वजह से जेल हो सकती है लोगों को, वो लोग फंस सकते हैं, इसीलिए वो लोग इनको वहां से जिंदा भेज देते हैं पास्ट में, और यहां पे उनको ठिकाने लगा दिया जाता है, जिसकी वजह से फ्यूचर के लोग कभी भी नहीं फंसते। लेकिन दूसरी तरफ जो लोग यहां पे मार रहे हैं, मतलब 2012 में उन लोगों को मार रहे हैं, फ्यूचर के लोगों को मार रहे हैं, यही लोग फ्यूचर में उन लोगों के लिए समस्या हो सकते हैं, इसीलिए वो लोग, यानी कि फ्यूचर के लोग, इन्हीं लोगों को फ्यूचर से पास्ट में भेज देते हैं, ताकि ये लोग भी अपने आप को मार डालें और कोई भी सबूत ना बचे। इसीलिए ये प्रोटोकॉल है कि इन लोगों को कभी भी उन लोगों का चेहरा नहीं देखना जो लोग फ्यूचर से आ रहे हैं। ऐसा ही कुछ हमारे हीरो के साथ भी होता है, वो हर बार हर किसी को मार डालता है बिना चेहरा देखे, लेकिन इस बार जो आदमी फ्यूचर से आया उसे वो चाह के भी नहीं मार पाता, उसे अंदर से ऐसा लगता है कि ये वही है। आगे क्या होता है आप इस मूवी के अंदर देखिए। ये मूवी हिंदी लैंग्वेज में अवेलेबल है, आप इस मूवी को Amazon प्राइम वीडियोस पर देख सकते हैं, पर हो सकता है वहां पे हिंदी लैंग्वेज में अवेलेबल ना हो। हमारी नेक्स्ट मूवी प्रोमेथियस, ये मूवी 2012 में आई थी, एक एडवेंचर मिस्ट्री साइंस फिक्शन मूवी है। इस मूवी के अंदर में कहानी देखने को मिलती है इंसानों की, जो लोग काफी समय से तलाश में होते हैं मैनकाइंड के ओरिजिन की, यानी कि आखिर इंसान को किसने बनाया, इनकी शुरुआत कहां से हुई। इसी तलाश में इनको एक दिन ऐसा क्लू मिल जाता है जिससे इनको लगता है कि हो सकता है यहां पे उनको पता लग जाए कि आखिर इंसानों को किसने बनाया और क्यों बनाया है, जिसकी तलाश में ये लोग स्पेस में एक बहुत लंबे मिशन पर निकल पड़ते हैं। आगे क्या होता है आप इस मूवी के अंदर देखिए। मूवी हिंदी लैंग्वेज में अवेलेबल है, इसको रेटिंग्स में 7.0 out of 10 IMDb।
टीवी पर। हमारी नेक्स्ट मूवी द अमेजिंग स्पाइडरमैन, जो मूवी 2012 में आई है, एक एक्शन एडवेंचर साइंस फिक्शन मूवी है। इस मूवी के अंदर हमें स्पाइडरमैन की कहानी देखने को मिलेगी, जैसे कि आपने 2002 की मूवी के अंदर देखा था, खाली कुछ चीजों को चेंज कर दिया गया और इस मूवी को हम लोगों के सामने बेटर सीजीआई और वीएफएक्स के साथ प्रेजेंट किया गया। ये मूवी एक काफी अच्छी मूवी है, सुपर हीरो मूवी है, जिसे आप देख सकते हैं। आप इस मूवी को अमेजोन प्राइम वीडियोज पर देख सकते हैं। इस मूवी को रेटिंग्स में 6.9 आउट ऑफ 10 IMDb पर। ये मूवी हिंदी लैंग्वेज में अवेलेबल है। हमारी नेक्स्ट मूवी जॉन कार्टर, जो मूवी 2012 में आई है, एक एक्शन एडवेंचर साइंस फिक्शन मूवी है। इस मूवी के अंदर हमें कहानी देखने को मिलती है एक आदमी की, जो वर्जीनिया के अंदर रह रहा होता है, लेकिन एक दिन कुछ लोग उसकी जान के पीछे पड़ जाते हैं, जिसकी वजह से वो अपनी जान बचाने के लिए गुफा के अंदर घुसता है, जिसके बाद वो सीधे पहुंच जाता है मार्स पर, जहां की ग्रेविटी यानी कि गुरुत्वाकर्षण पृथ्वी से कम है। इसी वजह से इसके अंदर बहुत ज्यादा शक्ति आ जाती है उस प्लैनेट पे, क्योंकि पृथ्वी पे इंसानों का शरीर मसल्स अलग तरीके से डेवलप हुई हैं। पृथ्वी पे ज्यादा शक्ति लगानी पड़ती है इसके गुरुत्वाकर्षण का सामना करने के लिए, लेकिन मार्स पे इतना गुरुत्वाकर्षण नहीं है। इसी वजह से मार्स पे इसकी स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा बढ़ गई, अगर जरा सा भी ऊपर उठे तो ये बहुत तेजी से छलांग लगा लेता और बहुत सारी शक्ति इसके अंदर आ जाती है। लेकिन सवाल ये उठता है कि वापस कैसे जाएगा अर्थ पे, क्योंकि इसे नहीं पता कि ये कैसे पहुंच गया मार्स पर। आगे क्या होता आप इस मूवी के अंदर देखिए। मूवी हिंदी लैंग्वेज में अवेलेबल है, आप इस मूवी को देख सकते हैं डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर हिंदी लैंग्वेज में। इस मूवी को रेटिंग्स में 6.6 आउट ऑफ 10 IMDb पर। हमारी नेक्स्ट मूवी क्रॉनिकल्स, ये मूवी 2012 में आई है, एक एक्शन ड्रामा साइंस फिक्शन मूवी है। इस मूवी के अंदर हमें कहानी देखने को मिलती है तीन हाई स्कूल बच्चों की, जिन लोगों को अचानक से एक दिन सुपर पावर्स मिल जाती हैं, लेकिन ये बच्चे अपनी सुपर पावर्स का यूज ढंग से नहीं करते, उनको खिलवाड़ समझते हैं और ऐसे ही उन पावर्स को यूज करते रहते हैं, लोगों को तंग करते रहते हैं, लोगों के साथ मजाक करते रहते हैं। लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे इनको इनकी शक्तियों के बारे में और ज्यादा चीजें पता लगती हैं, इनके अंदर घमंड आने लगता है, ये लोग अपने आप को बहुत ज्यादा शक्तिशाली समझने लगते हैं, जैसे कि मोस्ट ऑफ द लोगों के साथ होता है। कुछ लोग होते हैं जो बहुत ज्यादा सीधे होते हैं और वो सीधे ही हमेशा रहते हैं, लेकिन कुछ लोग मजबूरी की वजह से सीधे दिखते हैं जब तक कि उनके पास पावर्स ना आ जाएं किसी भी तरीके की। और जैसे उनके पास पावर्स आती हैं, पैसा आता है, वो अपना असली रंग दिखा देते हैं। उसी तरह कुछ इस मूवी के साथ भी होता है। ये मूवी इंग्लिश लैंग्वेज में अवेलेबल है, इसको रेटिंग्स में 7.0 आउट ऑफ 10 IMDb पर। हमारी नेक्स्ट मूवी लॉकआउट, ये मूवी 2012 में आई थी, एक एक्शन साइंस फिक्शन थ्रिलर मूवी है। इस मूवी के अंदर हमें कहानी देखने को मिलती है एक CIA एजेंट की, जिसे उसके साथी के मर्डर के इल्जाम में जेल भेज दिया जाता है 30 साल के लिए, और साथ ही साथ इसके ऊपर देशद्रोह का भी आरोप है, इसलिए इसे 30 साल की जेल हुई है। कहानी दिखाई जाती है उसके कुछ समय बाद, जब स्पेस की एक हाई सिक्योरिटी जेल के अंदर प्रेसिडेंट की बेटी गई होती, ताकि वहां पे देख सके कि वहां के जितने भी कैदी हैं उन लोगों की मेंटल कंडीशन ठीक है या नहीं, क्योंकि ये लोग स्पेस के अंदर रह रहे हैं। लेकिन इसी बीच वहां के सभी कैदी आजाद हो जाते हैं, जिसके बाद वो सब लोग बंदी बना लेते हैं वहां के सभी लोगों को, साथ में प्रेसिडेंट की बेटी को भी, जिसकी वजह से पृथ्वी पर बहुत ज्यादा समस्या बढ़ जाती है, क्योंकि प्रेसिडेंट की बेटी फंसी हुई है वहां पर। जिसके बाद सब लोगों के दिमाग में केवल एक ही नाम आता है हमारी मूवी के हीरो का, वही बचाकर ला सकता है प्रेसिडेंट की बेटी को स्पेस से, क्योंकि वो इन सब चीजों में बहुत ज्यादा माहिर है। इसीलिए हमारी मूवी के हीरो के सामने एक प्रस्ताव रखा जाता है कि अगर वो सही सलामत प्रेसिडेंट की बेटी को लेकर आ जाएगा तो उसकी सभी सजा को माफ कर दिया जाएगा, उसे आजाद कर दिया जाएगा। जिसके बाद अब किस तरह इस मिशन को कंप्लीट करता है वो आप इस मूवी के अंदर देखिए। मूवी इंग्लिश लैंग्वेज में अवेलेबल है, इसको रेटिंग्स में 6.0 आउट ऑफ 10 IMDb पर। सो गाइस, आई होप आपको वीडियो बहुत पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं मिलता हूं आपसे अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।